गैर कानूनी तरीके से कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड हासिल करने के मामले में अब बॉलीवुड के बड़े सितारे फंसते नजर आ रहे हैं। नई जांच में अभिनेता जेकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ और अभिनेत्री कंगना रनौत के भी कथित रूप से रैकेट में शामिल होने और गिरफ्तार वकील रिजवान सिद्दीकी से संपर्क में होने की खबर है। बता दें कि रिजवान अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील हैं, जिन्हें कुछ दिनों पहले ही CDR मामले में गिरफ्तार किया गया है। DCP के मुताबिक सिद्दीकी ने पूछताछ में बताया कि वो गिरफ्त में लिए गए मैग्नम एजेंसी के प्राइवेट जासूस प्रशांत पालेकर को पिछले 6 महीने से जानता है, लेकिन हमने पाया है कि दोनों 2014 से एक दूसरे के संपर्क में हैं। पुलिस को यह भी संदेह है कि एडवोकेट लंबे समय से CDR की अवैध सोर्सिंग में संलिप्त है। हो सकता है कि उसने व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी हो। उन्होंने कहा, मामले की जांच से कई एक्टर्स और बिजनेसमैन के चेहरे से पर्दा हटेगा। सिद्दीकी के फोन की जांच के दौरान यह सामने आया कि आयशा श्रॉफ ने भी एक्टर साहिल खान के CDR अवैध तरीके से निकलवाए। बाद में CDR संभवतः व्यक्तिगत कारण से रिजवान सिद्दीकी को दे दिए गए। CDR निकलवाने की वजह भी जल्द सामने आएगी। अभिषेक ने यह भी बताया कि उनके पास बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत के अभिनेता ऋतिक रोशन का नंबर रिजवान से शेयर करने के सबूत भी मिले हैं। रिजवान सिद्दीकी हैज क्लेम दैट ही वाज नोइंग मैग्नम डिटेक्टिव एजेंसी ओनली सिंस लास्ट 6 months, बट वी हैव गॉट अ मेल वेरिन इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट ही वाज डीलिंग विद मैग्नम डिटेक्टिव एजेंसी सिंस द ईयर 2014। सो वी सस्पेक्ट दैट ही मे बी इन्वॉल्व विद मैग्नम डिटेक्टिव एजेंसीज इन प्रोक्यूरिंग more number of CDRs for his clients. Secondly, an offense of cheating has been registered against him in the court in the district of Warangal as related with this particular aspect. We have got a copy of summon issued by Chief Judicial Magistrate Warangal against him. अधिकारी ने कहा कि रिजवान के लैपटॉप की जांच से यह भी पता चला है कि उसे वारंगल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धोखाधड़ी और साजिश मामले में समन किया जा चुका है और हमें कुछ कानूनी दस्तावेज भी मिले हैं। CDR मामले में गिरफ्तार वकील रिजवान सिद्दीकी की मुसीबत कम नहीं हो रही है। मंगलवार को एक मॉडल अभिनेत्री ने रिजवान के खिलाफ थाने पुलिस से शिकायत की है। सोमवार को तेलुगु फिल्म अभिनेत्री आरती नागपाल ने उसके CDR निकालने की शिकायत थाने पुलिस से भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज़।